सबसे बड़ी बात है कि इस महायज्ञ को सुचारू रूप से चलाने में एक एक कार्यकर्ताओं का बहुमूल्य योगदान एवं साक्षात भोले शंकर हमारे महादेव यहाँ पर बैठे हैं कि 37 वर्ष से बिना कोई ग्लिच के, बिना कोई परेशानी के ये यज्ञ सुचारू रूप से चल रहा है, और चले भी क्यों ना, चलाने वाले हमारे महादेव हैं जो पूरे दुनिया को चला रहे हैं। सारे कार्यकर्ता एकदम तन मन धन से लग के पूरे 9 दिन भगवान श्री त्रिलेश्वर नाथ महादेव को साक्षी मानकर अपना कार्य करते हैं। इतना भीड़ है, सही में काबू नहीं हो सकता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा है और हमारे साथ जो सुदृढ़ कार्यकर्ता है उनकी मेहनत का फल है। नमस्कार, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि है और भगवान भोलेनाथ का बारात जा रहा है। वह मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों हजारों की संख्या में, यानी लगभग 50,000 की संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं भगवान के भोलेनाथ की बराती में शामिल हुए हैं। वह दृश्य मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि को लेकर भक्तों में काफ़ी खुशी की लहर है और आज बड़े ही धूमधाम से भगवान भोलेनाथ का पूजा और अर्चना किया जा रहा है और कई जगह झांकी भी निकाला जा रहा है। मगर यह खूबसूरत जो आप दृश्य देख रहे हैं मेरे कैमरे के फ्रेम में, यह सासाराम के बाबा तिलेश्वर नाथ धाम का है, जहां बड़े ही धूमधाम से हर साल भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है और माँ पार्वती के साथ तिलेश्वर नाथ धाम में विवाह किया जाता है। और यह बराती भवानीपुर दुर्गा मंदिर से तिलेश्वर नाथ धाम पहुंचता है। यह अद्भुत यह नज़ारा जो देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का शादी जिस तरह से हुआ था, ठीक उसी तरह से हाथी घोड़े गाजे बाजे और पटाखे के साथ लोग बारात निकाल रहे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर देख सकते हैं कि बाराती में ही भी लोग मौजूद हैं और शिव तांडव भी किया जा रहा है और भूत प्रेत जो भगवान के बारात में गए हुए थे वह भी यहाँ पर मौजूद है। और बाराती में किस तरह से लोग यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है वह दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में संख्या यहाँ पर पहुँची हुई है। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की शादी आज यहाँ पर बाबा तिलेश्वर नाथ धाम में किया जाने वाला है, उसी को लेकर भव्य तैयारी सासाराम के शंकरपुरी तकिया कमेटी के द्वारा किया गया है। आइए हम बात करते हैं लोगों से। सासाराम के तिलेश्वर नाथ धाम की मान्यता है कि हर साल यानी कि प्रति वर्ष भगवान शिव का जो लिंग है तिल के समान बढ़ता है और यहाँ पर देख सकते हैं कि आज समापन है महायज्ञ का और महायज्ञ के समापन में भगवान भोलेनाथ का बारात आया है और बड़े ही धूमधाम से तकरीबन 50,000 की संख्या में इस बाराती में लोग भाग लिए हुए थे और ये कमेटी के लोग हैं। सीधा सीधी तौर पर मैं जानने का प्रयास करूँगा कि भगवान भोलेनाथ का बारात कहाँ से तिलेश्वरनाथ धाम आता है। बाबा भोलेनाथ का बारात भवानीपुर मुरादाबाद से आता है, यहाँ दुर्गा माँ के मंदिर के पास से तकिया समिति बाजार बाजार होते हुए हाई स्कूल रोड होते हुए मंदिर में आता है। यहाँ हर साल के भांति हम लोग द्वार पूजा कराते हैं और इसके बाद में मंच पर ले जाकर माला जयमाल करवाते हैं, इसके बाद में प्रसाद वितरण होता है यहाँ पे। 37 वर्षों से यहाँ पर महायज्ञ कराया जा रहा है कमेटी के द्वारा शंकरपुरी तकिया में तिलेश्वर धाम में, क्या कहिएगा प्रशासन की व्यवस्था क्या रहती है यहाँ पर? यहाँ पे प्रशासन और जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो चुस्त दुरुस्त होकर पूरे मुस्तैदी से यहाँ पे 9 दिन का कार्य करते हैं और कहीं से कोई कहीं भी गड़बड़ी की संभावना 1% की 1% की भी नहीं होती है और सारे कार्यकर्ता एकदम तन मन धन से लग के पूरे 9 दिन भगवान श्री त्रिलेश्वर नाथ महादेव को साक्षी मानकर अपना कार्य करते हैं। और तभी तो इतना बड़ा ये जो जग है वो अपना एक एक दिन करके बढ़ते जा रहा है और 37वें वर्ष में ये यज्ञ अपने आगे की ओर बढ़ते हुए 38वें वर्ष में अगले वर्ष प्रवेश करेगा। तकरीबन ये जो सड़क है लगातार 1 घंटे से जाम हो चुका था, लगभग 30,000 से 40,000 की संख्या में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, भगवान भोलेनाथ के बारात में पहुँचे हुए थे। हाँ, ये हर बार इसी तरह का होता है और जितने भी अपने श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो एक भगवान शिव की जब बारात निकलती है तो उसमें कहा जाता है कि देवता दानव सारे लोग जितने भी होते हैं, दानव या हो गए जानवर हो गए, या सब सुबह उनके बारात में पहुंच जाते हैं और उनको बस एक ही सुध होती कि भगवान भोलेनाथ, भगवान अपने जो त्रिलेश्वरनाथ महादेव हैं उनके बारात में बढ़ चढ़ के पहुंचना है और सबको एक एक से मिल के अपना कंधे से कंधे आगे बढ़ना है।
तिलेश्वर नाथ मंदिर का मान्यता है कि प्रति वर्ष भगवान शिव का जो लिंग है तिल के समान बढ़ता है और यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं इस मंदिर में। ये हमारा बाबा तिलेश्वर नाथ धाम श्री शंकरपुर तकिया का ये बहुत पुराना भव्य मंदिर है। यहाँ हमारे शंकर जी हर वर्ष तिल का तिल बढ़ते हैं, ये हमारा मान्यता है और ये हम लोग का मानना है। यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। जब भीड़ यहाँ पर होती है तो किस तरह से आप लोग कंट्रोल करते हैं? भीड़ सबसे बड़ी बात है कि इस महायज्ञ को सुचारू रूप से चलाने में एक एक कार्यकर्ताओं का बहुमूल्य योगदान एवं साक्षात भोले शंकर हमारे महादेव यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ अहम योगदान हमारे सभी कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर का होता है जो कि दिन रात एक एक अपना क्षण यहाँ पर न्योछावर करते हैं और पूर्ण रूप से उसी का देन है कि 37 वर्ष से बिना कोई ग्लिच के बिना कोई परेशानी के ये यज्ञ सुचारू रूप से चल रहा है और चले भी क्यों ना, चलाने वाले हमारे महादेव हैं जो पूरे दुनिया को चला रहे हैं। ये यज्ञ 37 वर्षों से आपके द्वारा किया जा रहा है और कमेटी के आप डायरेक्टर हैं एक तरह से कहा जाए तो, मतलब कि सुचारू रूप से 37 वर्षों से चलाया जा रहा है, कहाँ से फंडिंग होता है इस यज्ञ को कराने में जी, क्योंकि प्रति वर्ष आप कराते हैं? यज्ञ की फंडिंग हमारे तकिया की ग्रामीण जनता, सासाराम के व्यवसायिक और हमारे बाजार समिति श्री शंकर खाद्यान्न व्यवसायिक संघ के द्वारा यहाँ पर फंडिंग होता है। जिस तरह का भीड़ यहाँ पर देखने को मिलता है, खासतौर पर जब महाशिवरात्रि का दिन होता है, जिस तरह से आज है और समापन है, और समापन के दिन जिस तरह से भगवान भोलेनाथ का आप बारात आया और बारात में जो भीड़ देखने को मिला, ऐसा लग रहा था कि काबू में ये भीड़ नहीं हो सकता है, फिर इस कंट्रोल करने के लिए भीड़ को आप लोग क्या क्या उपाय करते हैं? देखिए, इतना भीड़ है सही में काबू नहीं हो सकता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा है और हमारे साथ जो सुदृढ़ कार्यकर्ता है उनकी मेहनत का फल है और हमारे स्थानीय प्रशासन है जिसके द्वारा भीड़ काबू होता है। प्रशासन की प्रोटेक्शन रहती है? जी जी रहती है। महिलाएं आती हैं यहाँ पर भारी संख्या में, हमने देखा सुबह में भी यहाँ पर देखा, जैसे ही 12 बजे के बाद रात से ही यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी और अभी भी भीड़ तकरीबन 30-40 हज़ार है यहाँ पर, लोग बारात में पहुँचे हुए हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से भीड़ है और जिस तरह से प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, लगातार प्रति वर्ष आप यज्ञ करा रहे हैं और यज्ञ के दरमियान आप देखे होंगे कि काफ़ी असामाजिक तत्वों से बचना रहता है, किस तरह से आप लोग निपटते हैं लोगों से? देखिए, अभी तो इस साल से हम लोगों ने CCTV सर्विलांस के माध्यम से इस पूरे मंदिर को अपने ये किया हुआ है। CCTV हमारे ऑपरेटर देखते रहते हैं 24 आवर ऑफिस में बैठ के। और अभी जो आप बोल रहे इतनी महिलाएं, तो महिला प्रशासन रहती है हमारे यहाँ और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सारे लोगों का प्रोटेक्शन करते हैं, देखते रहे, और सबसे ऊपर बाबा भोलेनाथ की कृपा है। जैसे कि अभी आपने कमेटी के लोगों से सुना, मैं बता दूं कि प्रति वर्ष 37 वर्षों से यहाँ पर महायज्ञ होता है और आज महाशिवरात्रि का दिन है और आज समापन है और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का शादी है और बड़े ही धूमधाम से ये बारात तिलेश्वर नाथ धाम में पहुँचा हुआ है और गाजे बाजे और पटाखे के साथ और हाथी और घोड़े के साथ देख सकते हैं यहाँ पर, और सुंदर दृश्य मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं इस बाराती में तकरीबन 40 से 50 हज़ार जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के शादी में शामिल हुए हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।